बजरंग पुनिया ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। कि उन्होंने जो खिलाड़ियों की जो हमारी बात थी, जो आवाज़ थी वो सुनी है और एक निर्णय लिया है कि भैया हम एक कमेटी गठित करेंगे जो आपको एक महीने में उसका रिजल्ट देगी। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है, कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है। तो सभी खिलाड़ी भी यही थे कि भाई हमने आवाज़ उठाई है और उससे डरे हुए थे उस चीज़ से। तो सभी को समझाया भी है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी, हम सभी खिलाड़ियों की तरफ से, और हमें उम्मीद है कि इसमें आप हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा उनकी जो जांच में जो 100% अच्छे से उसकी जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी उसकी। और आप सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने हमारा 3 दिन जितना साथ दिया, क्योंकि आपके सहयोग की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यही है कि हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं।